और क्रिस्टोफर नोलन है वो हमारे ग्रुप का, उसका दिमाग जो चलता है ना वो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं पाते। हेलो गाइस, जेलो को नमस्कार, चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई रिएक्शन वीडियो कर रहा हूँ, और जिस वीडियो का रिएक्शन आज करने वाले हैं वो एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है चॉइसलेस। जब आप एक टाइम जोन में फंस जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है आपके साथ, क्या क्या चीज़ें होती है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता, उसी पे कहानी है। और इस वीडियो में जितने भी डायरेक्शन टीम से लेके एक्टर हैं सभी मेरे जानने वाले हैं, मतलब मेरे दोस्त ही हैं सभी। तो मैं एक्साइटेड हूँ ये वीडियो देखने के लिए, और इसके बारे में आपको कुछ जो बातें हैं वो मैं इसके बाद आपको बताऊँगा। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। लंबी फिल्म है, 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म है, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। ओके स्टार्ट। ओके द एडिक्टेड योगीज। ओके, तो स्टोरी शुरू होती है एक घड़ी से, अब देखते हैं कहां तक स्टोरी जाती है। Repair any watch 100. So you are. ₹100 है। अच्छा, मतलब इतना ही पैसा इसीलिए रिपेयर नहीं करा है। घड़ी रुकी हुई थी, बीच में चली फिर स्टॉप हो गई। 500 रुपीज। चला चला टिकट दे आओ। पुणे सरकार। नहीं, भीड़ नहीं है इसलिए आगे नहीं। फिर रुक गया ना। कहाँ से स्टार्ट हुई फिर स्टोरी देख रहे हो? बस के गेट से। एक दो तीन चार। ओके, चल सब कुछ सेम रहा है बट पैसे कम हो जा रहे हैं क्योंकि चीजें रिपीट हो रही है। फिर से सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। टिकट
ऐसी स्टोरी सिर्फ अर्णव ही सोच सकता है. हमारे ग्रुप का क्रिस्टोफर नॉलन है वो. कैरेक्टर को याद सब कुछ रहता है, बस चीजें रिपीट हो रही है, पैसे खत्म हो रहे हैं, बाकी सब कुछ. अब सिर्फ 40 रुपीज बचे हैं. सोचो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा तो कैसा फील होगा. अभी दिमाग का दही हो चुका है. ऐसा फंसा है. कैसे निकलोगे कैसे अब इससे. सिर्फ 20 रुपए. ये एडिटिंग. मार उसको, बगल वाले को मार, नाक पे मुक्का मार, वो सोता है. सारा कांड इस घड़ी का है. अभी चलने लगा, अभी देखना. उस टाइम से रुकी हुई थी घड़ी, अभी वापस से चल पड़ी है. वापस से रिवाइंड हो रहा. क्या 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 क्या
कहानी समझ में भाई को सारे फसाद की जड़ ये घड़ी थी। मतलब जब से घड़ी पहना टाइम जोन में फंस गया ये, जब घड़ी बंद हो जा रही थी टाइम बस, जब घड़ी चल पड़ी वापस टाइम आगे चला। ये लो फिर आ गया कोई उसके पास। चॉइसलेस। ओके, तो कैसी लगी ये शॉर्ट फिल्म भाई? देखो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, हमारा जो ग्रुप रहा है 2015 से जब ज्वाइन किया था हम लोगों ने SRM फिल्म स्कूल मुंबई में, तो ये जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने इसमें काम किया है हम सभी ने साथ में ट्रेनिंग की थी और साथ में हम लोगों ने काम भी किया है। बट अर्णव जो है ना, अर्णव जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, उसका दिमाग कुछ अलग ही लेवल पर चलता है। वो फुल टू हॉलीवुड स्टाइल सोच है उसकी, हॉलीवुड का बहुत नॉलेज है उसके पास और जितना नॉलेज है उसका यूज़ भी करता है वो, और इसमें भी आपको कुछ उसी तरीके का देखने को मिला होगा। और क्रिस्टोफर नोलन है वो हमारे ग्रुप का, उसका दिमाग जो चलता है ना वो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं पाते। और इस फिल्म के लीड एक्टर के बारे में बात करते हैं, राजवीर मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है वो, और एक्टिंग क्लास में वो हमेशा टॉप पे रहता था। मेथड एक्टिंग में उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था, इतना कमाल का परफॉर्मेंस देता है वो। और एक कैरेक्टर उसने प्ले किया था, मुझे याद है हम लोग का जब फिल्म फेस्टिवल हो रहा था उसमें उसने मिस्टर बीन का कैरेक्टर प्ले किया था। मिस्टर बीन का एक एक्ट है जिसमें इनविजिबल ड्रम है जिसमें वो सिर्फ इशारे से बजाते हैं, वो देखना आप यूट्यूब पे सर्च करना है इनविजिबल ड्रम मिस्टर बीन करके, वो एक्ट किया था। उसी टाइम मान गया था मैं भाई को, जो बीट एक एक पकड़ा था ना उसने बिना किसी चीज़ के, ना हाथ में स्टिक है ना सामने ड्रम है, जो काम किया था ना उसने वो, सैल्यूट है भाई राजवीर। और कर्नाटका के ही है मेरे भाई राजवीर, तो बहुत अच्छे एक्टर है वो। और अभी उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें कुछ इसी तरीके का काम देखने को मिलेगा पूरी टीम की तरफ से। और अर्णव को भी एक सैल्यूट है यार तुम्हारी सोच के लिए, और जिस तरीके का डायरेक्शन तुमने किया है, एडिटिंग किया है, बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है इसको, इस शॉर्ट फिल्म को, और बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म घूमकर आई है। और मेरे भाई अर्णव जिसने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वो एक्टिंग भी काफ़ी अच्छा करता है, और उसकी फिल्म रिलीज हो रही है बंकर PVR में, आप जाके देख सकते हैं। फिल्म जो है वो आज रिलीज होने वाली है, तो अगर आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में फिल्म लगती है तो आप जरूर जाके देखें उस फिल्म को, बंकर को। फौजियों की कहानी है कि एक जगह पे जब वो फंसते हैं और लिमिटेड आपके पास सोर्सेज होते हैं, उसके बाद आपके साथ क्या होता है, यही उस फिल्म में दिखाया गया है। और इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफी की भी तारीफ करूंगा मैं, सागर सेलानी भाई कमाल का काम किया है यार, बहुत ही सुपर्ब। अगर आप स्टार्टिंग से देखो और लास्ट तक आते आते मतलब क्लाइमेक्स आते आते ना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा था उस टाइम से, बहुत ही ब्रिलियंट। जो टाइम जोन में फंसा है ना वो बंदा, जो कैरेक्टर है, उसके बाद एक घड़ी से कहानी स्टार्ट हुई, एक घड़ी पे जाके खत्म हुई, गिरी हुई घड़ी उठाया किसी ने और फिर लास्ट में कोई और आता है उसको उठाने, उसके साथ भी सेम ही होगा कुछ। मैं एक चीज इसमें सजेस्ट करना चाहूंगा अर्णव को, अगर इसमें जो टिकट जो है ना, अगर वो भी नहीं रहता ना तो ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता इस फिल्म के लिए कि बिना एक भी सिंगल डायलॉग की ये शॉर्ट फिल्म है। तो आई होप कि तुमने ये चीज पे सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, किसी ने बताया नहीं बताया, मेरे दिमाग में आया ये फिल्म देखते टाइम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और सिर्फ सागर, अर्णव, राजवीर इन लोगों की बात नहीं करूंगा, जितने भी और लोग हैं जिन लोगों ने इसमें काम किया है उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही कमाल का काम किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस शॉर्ट फिल्म का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखिए, सपोर्ट करिए वीडियो को, शेयर करिए। जितने आप मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओरिजिनल वीडियो को जाइए और शेयर करिए जितना हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।